अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी, ये लड़की तो हमें हमारे ध्रुव से अलग करने की बातें कर रही है, और ऐसा तो कुछ तय हुआ ही नहीं था। कुछ करो। कहा तो लग जाए धक से। बेटा, ऐसी तो कोनो बात ही नहीं हुई थी। आई एग्री, हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, और जो बातें हुई थी उस बात को रिपीट करने का क्या पॉइंट? जो बातें नहीं हुई है उसी को तो करने के लिए हम यहाँ पर मिले हैं, राइट? माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, लगता है आपका ध्यान कहीं और अटका हुआ है। नहीं, शायद शादी के खर्चे की गणित में उलझे हुए। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कैलकुलेट करके आए। जाने से पहले आपके हाथ में पर्चा थमा देंगे हम। सुरेंद्र जी, एक बात पूछें। जी। ये लोग आपके जानकार हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? वो क्या है ना, आजकल लड़कियों पर नौकरी का भूत सवार रहता है। बाहर का काम नहीं, हमारे घर को संभाल सके। हम पढ़ाई के बाद घर नहीं बैठना चाहते हैं, जॉब करेंगे। मतलब इनको बहू नहीं नौकरानी चाहिए। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं रूपा। हमें मम्मी पापा ने सिखाया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, पहले परिवार फिर हम। आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। गजेंद्र भाई साहब ने सृष्टि की नौकरी वाली बात नहीं की थी क्या? मेरे ख्याल से की तो थी जी। और कुछ? गजेंद्र जी ने तो आपको बता दिया होगा, लेकिन एक बार हम आमने सामने बैठकर भी बात कर लेते हैं। हमारी मांग है 20 लाख रुपए कैश और 4 चक्के वाली गाड़ी। वो क्या है ना, आजकल वृक्षा टूटी लड़की का इतना ही चल रहा है। हमें कन्फेशन करना चाहते हैं। बहना, कन्फेशन मतलब जिंदगी में अगर कोई चीज गलती हो गई हो तो उसका खुलासा करना है। वैसे ये बात तो हमारे और ध्रुव के बीच की है, पर हमें लगता है कि हमें आपसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हमें ना पार्टी करने का बड़ा शौक है, और ओकेशनली हम कभी वाइन वगैरह भी ले लेते हैं। वैसे हमारे लिए तो ये बहुत सिंपल सी बात है, पर कभी सोशल मीडिया पे आपने कोई फोटोज देख लिया तो आप लोगों को तो शौक लग जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले से ही बता देते हैं। देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, और फिर हमारे बेटे का बाहर आना जाना लगा रहता है, इसलिए घर को तो किसी ना किसी को संभालना होगा, तो ये काम हमारी औरतें करती हैं। सरल सा विचार है, आदमी बाहर का काम देखता है और हमारी औरतें किचन का काम देखती हैं। कुकिंग हमारी हॉबी है, और सिर्फ हॉबी है। हाँ, कभी मूड हुआ तो एक आध दो दिन हफ्ते में हम बनाकर दे देंगे, पर रोज रोज आप लोग उम्मीद मत करिएगा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों का कोई ना कोई चक्कर चल ही जाता है। अगर आपका ऐसा कोई चक्कर है तो हमें बता देना। वो क्या है ना कि ऐसी बात छुपी तो रहती नहीं है, कल को हमें किसी और से पता चली तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपसे कुछ बात करनी है। तानी, क्या कर रही है तानी? माफ कीजिएगा, फिर से आप लोगों के बीच में आकर बोलना पड़ रहा है, पर हम करें भी तो क्या करें? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जब दोनों परिवारों को पता है कि ध्रुव जी और हमारी दीदी एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, तो कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा?
सब के सब छुपन छुपाई खेल रहे, लेकिन धप्पा कोई नहीं मारना चाहता। बुआ जी, आई एम सॉरी, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की आपके पैमाने पर कभी खरी नहीं उतरेगी। फिर भी आप रिश्ता इनके साथ तय कर रहे हैं। और आपको अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए या अपने गांव के बड़े से घर के लिए एक नौकरानी चाहिए? अरे हमारी दीदी इतनी पढ़ी लिखी है ना कि आपके बेटे से ज्यादा पैसा कमा सकती है वो जॉब करने के बाद। बुआ जी, आपको तो अपने भतीजे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी ना जो परिवार को एक साथ लेकर चले, तो फिर क्यों इनके साथ रिश्ता तय कर रही है आप? आखिर ऐसी क्या जिद है कि आप हमारी दीदी को मना कर रही है और अपनी सारी शर्तें भुलाने को तैयार है? आप इसलिए मना कर रही है ना क्योंकि वो हमारी दीदी है। ध्रुव जी, आपको तो पता है ना कि ये परिवार आपके लिए सही नहीं है, तो आप क्यों इनके हाँ में हाँ मिला जा रहे हैं? क्यों कुछ नहीं कह रहे आप तब से? क्यों कुछ नहीं कह रहे आप? What is this nonsense happening, mom? वो हमारी दीदी भी। आपका क्या प्रॉब्लम है? कंपटीशन लगा आपने ध्रुव जी के साथ, कौन ज्यादा हाँ में हाँ मिलाएगा? क्या दिक्कत, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कह दीजिए ना। अगर हम हिम्मत करके कह पा रहे तो आप दोनों भी अपने श्रीमुख से कुछ कह दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? बुआ जी, गलती तो हमसे हुई है ना, हमने गलती की है ना, तो फिर आप इन्हें क्यों सजा दे रही है? और आंटी जी, आप इनकी माँ है ना, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इनके दिल की बात? क्यों चुप खड़ी है? क्यों कुछ नहीं कहती? कुछ तो कहिए ना, कोई कुछ कुछ कहेगा कोई, प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों का अपना अपना अहम भाव तो प्यार करने वाले और चार परिवारों की खुशियों से ज्यादा बढ़कर है, तो कीजिए जो आपको सही लगता है, पर हम इस सब का हिस्सा नहीं बन सकते। सॉरी। हमसे जो कुछ भी हो सकता था हमने किया बहादुर। अब आपकी बारी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब आपसे क्या बताएं? आप तो अंतरिया भी है ना, प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। हम आपको दिल से थैंक यू बोलेंगे। आजल जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। अब तक तो हम सिर्फ अपने बारे में बता रहे थे, अब आप बताइए, ये जो पीछे बैठी है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? दरअसल हमारी शादी पहले इनसे ही होने वाली थी, लेकिन जैसे ही हमारी बात आगे बढ़ती हम आपको इनके बारे में बताते वक्त अब हम समझे, पूरी बातचीत के दौरान कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना क्यों कर रहे थे आप? किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? आप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने निकले हैं या भाजी तरकारी? जिस ठेले पे जो पसंद आया ले लेंगे। देखिए भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, हमने जो समझना था समझ लिया, अब आप समझ लीजिए, हमने आपको अपने घर और बिजनेस के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको ये रिश्ता करना है तो सच जानने के बाद मार्केट का भाव बढ़ गया है।
अब 20 लाख नहीं चल पाएगा, 30 लाख कैश और गाड़ी देनी पड़ेगी आपको। आपसे जो पहले बात हुई थी तो 20 लाख की बात हुई थी ना, ये बातचीत के दौरान आपने इसके 30 लाख कर दिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, हम जो कह रहे हैं ईमानदारी से कह रहे हैं। जब आप लोगों से रिश्ते और चक्कर के बारे में पूछा तो आप लोगों ने मुंह पर ही झूठ बोल दिया। सुरेंद्र जी, जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो ज्यादा मोल भाव नहीं किया जाता। अरे आपको तो शुक्र मानना चाहिए कि ये सब जानने के बाद भी हम इस रिश्ते को मना नहीं कर रहे। अब आपका जो भी फैसला है बता दीजिए, वरना एक बार हम चले गए ना तो आपकी हाँ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, वैसे तो हम अपने कपड़े के शोरूम में फिक्स प्राइस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं 5 लाख रुपए का। 25 लाख में फाइनल करते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे, किसी बड़े दिल वाले से पाला पड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे कहा तो लग जाए ढक से। अरे ऐसा मोल भाव तो जानवरों की मंडी में नहीं होता है। कैसे बेशर्म लोग हैं, लड़की के सामने उसी की बेइज्जती करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने बेटा का शादी का रेट तो आप तय कर दिए हैं, अभी भी बता दो कि इतना अच्छी लड़की पैदा करने पर माँ बाप को भी सजा दिलवाएंगे का? क्यों काशी? एकदम परफेक्ट, हमारा मुंह का बात छीन लिया भाई ना। दहेज का बात करके ना आप हमारा माथा घुमा दिए। काशी, पास का चौकी में घुमाओ तो फोन जरा। अबे घुमाता हूँ। ए ध्रुव बचवा, ये हमारा टाइगर बचवा, लगाइए 100 पे कॉल, नहीं तो डीसीपी साहब है ना, उनको डायरेक्ट ही बुला लीजिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग ध्रुव के लिए हम में इंटरेस्टेड है या उसमें? आप लोग इधर ध्यान दीजिए ना। देखो बेटा, हम पहले ही बोल देते हैं, शायद हमारी बोली हुई बातें तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन जिस लड़की को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, वो लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जो घर में आने से पहले घर जोड़ने की बजाय घर तोड़ने की बातें करें। हमारे घर की बहू, हम बताएं हमें कैसी चाहिए? खुश रहो बेटा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमें हमारे ध्रुव के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसकी सोच संस्कार परिवार के बड़ों के सिर गर्व से उठा दे, ना कि कंधे शर्म से झुका दे। ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं जो अपनी खुशी परिवार से बड़ी ना समझे, परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी समझे। और हमारे बेटे के लिए ऐसी बहू हमें मिल गई है। भाई साहब, बहन जी, एक दिन हमारे भाई ने आपके घर में खड़े होकर आपकी बेटी का हाथ मांगा था, आज भगवान के घर में खड़े होकर हम आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। हमारे ध्रुव के लिए सृष्टि से अच्छी और सच्ची लड़की नहीं मिल सकती। अगर आप बीती बातों को भुला दें तो हम इस शादी के लिए तैयार हैं। और जो हमारे ध्रुव को पसंद है वो हमें भी पसंद है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना दीदी? बहन जी समझिए, भूल गए। ऐसा जान पड़ता है काशीनाथ पांडे जी 2000 सालों में ऐसे नक्षत्र बनते हैं, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश। मॉम या व्हाट इज दिस? ध्रुव बेटा, हम जानते हैं तुम्हारा मन नहीं था इस रिश्ते में, फिर भी हमारा मन रखने के लिए तुमने हाँ कह दिया, और आज लड़की देखने आ गए सिर्फ हमारा मन रखने के लिए। तुमने हमें जो दर्जा दिया है ना, वो आजकल की दुनिया में लोग अपनी सगी माँ को भी नहीं देते। हमने तुम्हें सिर्फ पाला है बेटा,
हम तुम्हारी माँ नहीं है कि मर्जी ना हो फिर भी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बुआ जी बाकी आप जो मर्जी बोल लीजिए, अगर आपको हम पे हाथ उठाना वो भी उठा लीजिए, लेकिन आप दोनों ही हमारी माँ हैं। काशी हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, पर तुम्हारी पसंद की लड़की में हम वो गुण नहीं देख पाए जो तुमने देख लिए। सच में तुम्हारी नजर बहुत पारखी है भैया, अब हमें भी माफ कर दो पिछली बातों के लिए। बहना ऐसे नहीं कहते, घर का मामला है और आप तो हमारा खून है। और वो क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो उसे भूला नहीं कहते। माटी डालिए, आगे बढ़ते हैं। सृष्टि बेटा यहाँ आओ हमारे पास। एक मिनट भाई साहब। या अब आप हमको 5 मिनट दीजिए। ए बचवा फुलवा लगा दिया ना? जी। अब पुलिस आती होगी के बाद आपको हम भाई इज्जत ससुराल में बिठा देंगे। अरे जल्दी चलो भाग्यवान। अरे कहाँ जा रहे, 25 लाख रुपए लेते तो जाइए। माफ कीजिएगा बहन जी, अब हमारे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ नहीं हो सकता। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बेटी को जैसा लड़का चाहिए वैसा मिल जाए। मैं तो कहती हूँ हमारे ध्रुव से भी अच्छा मिल जाए। हर हर महादेव। महादेव। ये भी विधि का विधान है रूपा, बड़ी देर कर दी मेहरबान थे आप। चलिए अच्छी बात है, आपके बात समझ तो आई, देर से ही आई। हमें भी माफ कर दीजिए, आपने जो ध्रुव के लिए लड़की पसंद की थी वो ध्रुव के लिए बिल्कुल सही थी, और ये बात अब हम भी समझ गए हैं। सुरेंद्र भाई साहब, अगर आपकी हामी हो तो जो हमारा प्रोग्राम था उस हिसाब से सारा कार्यक्रम करते हैं। 3 दिन बाद जो कर दे। देखिए और पूछ पूछ, आपने तो मेरे भी मुंह की बात छीन ली। देख लीजिए सब ने अपने अपने मन की कर ली, लेकिन हुई है वही जो राम रची राखा। अरे आइए अभी तो गले लगिए। तू यहाँ है और तेरे चक्कर में हम पूरे मंदिर की परिक्रमा कर आ गए। चल बाबा, पापा ने हाँ बोल दिया क्या उन्हें? नहीं बेटा फिर? बस महादेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया। ध्रुव जी की मम्मी जी और बुआ जी मान गए, अब ध्रुव जी की और सृष्टि की शादी होगी। चल अब सब तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या? क्या? सही में माता रानी? आपने तो सच में ही चमत्कार कर दिया। हमने आपसे वादा किया था ना, अगर आप हमारी प्रार्थना सुन लेंगे तो हम आपको दिल से थैंक यू कहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव। ये क्या किया, मेरी पूजा की थाली गिरा दी। अरे सॉरी 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 सॉरी, पर देखिए ना सारे के सारे फूल महादेव का अर्पित हो गए। बहुत ही शुभ पाठ है ये। जय भोलेनाथ। चलो चलो। अरे नमः शिवाय।
गीता बहन जी, दीदी ने अपने कंगन पहना कर शगुन की रस्म भी पूरी कर दी है और जो रिश्ता अधूरा रह गया था आज वो पूरा हो गया। हमने हमारी गलती भी मान ली है, जो भी भूल चुक हुई हो माफ कीजिएगा। दानी बचवा, बच्चा इधर करीब आइए, करीब आइए। इसे कहते हैं विधि का विधान। जैसा आपने प्लान किया था महादेव की दया से उस सारा का सारा प्लान कामयाब हो गया है। अब तय दिन पर ही जो कार्यक्रम हमारा होना था वो तय दिन पर होगा।